हाँ तो नमस्ते बच्चों, आप सभी 12th क्लास वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, खास करके उन बच्चों के लिए जिनका मेन मैथमेटिक्स है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिक्स को बहुत अच्छे से जानना, उसके चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। आइए हम बात करते हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास के मैथमेटिक्स के बारे में। शायद ये वीडियो बिहार बोर्ड में अभी तक बच्चों ऐसी वीडियो आपको नहीं मिली होगी। हमने कहा है कि 88 मार्क्स प्यारे बच्चों यहीं से आते हैं, यानी जो हम आज आपको बताने वाले हैं 88 मार्क्स यहीं से आते हैं। लेकिन इसके पीछे एक और बात है, ध्यान दीजिएगा। अभी तक बच्चों जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल हमें 13 चैप्टर्स 12th क्लास में पढ़ने हैं मैथ में। अब 13 में से हम लोग अभी तक कितना चैप्टर पढ़ चुके हैं? एप्लीकेशन पर बच्चों पूरी क्लासेस आपकी होती हैं। सबसे पहला अगर हम बात करें तो चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं और ये 2023 और 24 का डाटा है। लगभग 23 और 24 में मामला बस सेम है। 23 के बोर्ड में भी और 2024 के बोर्ड में भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो सवाल पूछे गए हैं उसका डाटा आपके सामने है। तो आप कहेंगे कि आपको जैसे कि मालूम है बच्चों कि 2x प्रश्न होते हैं, तो 100 नंबर का अगर एग्जाम हो रहा है तो समझिए कि हमें 200 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 200 में से ही हमें 100 नंबर का बनाना होता है। उस लिहाज से अगर देखें तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री लगभग दोनों साल 18 नंबर का पूछा गया है, एक आध नंबर आगे पीछे हो सकता है। ये 2024 का एग्जैक्ट डाटा है, 23 का इससे एक आध नंबर कम बेसी हो सकता है। मैट्रिक्स की बात करें और डिटरमिनेंट, दोनों मिलाकर के अलजेब्रा कहलाता है, दोनों मिलाकर के अलजेब्रा कहलाता है और अलजेब्रा से टोटल 23 नंबर के सवाल पूछे गए हैं। हम आपको इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन भी बहुत अच्छे से पढ़ा चुके हैं, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट भी पढ़ा चुके हैं। बात करते हैं वेक्टर, वेक्टर से अकेला मेरे बच्चे 23 नंबर का सवाल 2024 में पूछा गया है। बात करते हैं 3D चैप्टर का, तो 3D जो है 17 नंबर का पूछा गया है और प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये 14 नंबर का पूछा गया है। तो इतने चैप्टर हम लोग 12th क्लास के मैथ में पढ़ चुके हैं, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 सबको अगर हम जोड़ते हैं तो 100 में से 95 नंबर यहाँ से हो जाता है। आप सोचिए कि अगर कोई स्टूडेंट ये 6 चैप्टर अच्छे से पढ़ के गया होगा और बोर्ड परीक्षा में एक एक सवाल अच्छे से लगाया होगा तो नहीं 95 तो कम से कम आप जान सकते हैं कि 70 से 80 के बीच बहुत आसानी से ला सकता है बस ये 6 चैप्टर पढ़ के। तो आप सोचेंगे कि क्या गुरुदेव ये 2025 के भी बोर्ड एग्जाम में ऐसा होगा? तो बच्चों मोर देन 90% चांस है कि ये 2025 में भी ऐसा होगा। आप सिर्फ 6 चैप्टर पढ़ के, क्योंकि 200 में से आपको बनाने हैं 100, तो 200 में से आप बिहार बोर्ड के एग्जाम में, स्पेशली बिहार बोर्ड की बात करते हैं, तो आप 70 से 80 नंबर क्या अगर सही बना दीजिए तो 90-95 तक भी आप ला सकते हैं, है ना। एवरेज में हम 70 से 80 बताएं बच्चों, 95 नंबर का ये है। अब आप कहेंगे सर अगर 200 नंबर में से मात्र 95 नंबर का ये 6 चैप्टर है तो वो 7 चैप्टर कौन है जहां से और नंबर पूछे गए हैं? 105 नंबर तो अभी और भी बचा है ना, कि दोनों मिला के 200 पूछना है। आइए अब है बच्चों एक पार्ट है जिसको हम लोग कैलकुलस कहते हैं, ठीक है। हम लोग ये पार्ट पढ़ चुके हैं, एक दुनिया हम लोग पढ़ चुके हैं जहां से प्यारे बच्चों आप आसानी से 70 से 80 नंबर बहुत हंसते हंसते ला सकते हैं। लेकिन एक दुनिया और भी है जिसके बिना 12th क्लास का मैथ बिल्कुल अधूरा है, जिसे कहते हैं कैलकुलस। क्या कहते हैं? कैलकुलस। आप देखते हैं कि जिस दिन हम आपको सिलेबस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे उस दिन हम आपको बताए थे कि कैलकुलस में टोटल 5 चैप्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 चैप्टर यहाँ हो गए और 6 चैप्टर हम पढ़ लिए हैं, तो 6, 5 कितने हो गए? 6, 5 चैप्टर हो गए 11। अब 2 चैप्टर कौन बचा? 2 चैप्टर में सबसे पहला चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन और 12वां चैप्टर LPP जो हमारा बचा है। तो टोटल हमारा 2 चैप्टर और इसके अलावे हैं, लेकिन वहाँ उसको हम सबसे लास्ट में पढ़ाएंगे। दोनों मिलाकर के 10 दिन की क्लासेस हैं, दोनों 10 दिन में ख़त्म कर देंगे हम, ठीक है। आइए हम बात करते हैं कि हम लोगों को अब हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, अब हम लोग मेन चीज़ पर सेंध लगाने जा रहे हैं। आप अक्सर सुने होंगे कि भाई साहब 12th क्लास का मैथ इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन बहुत खतरनाक होता है, तब उसको हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला चैप्टर का नाम है बच्चों शांतव्य तथा अवकलनीयता, है ना। दूसरा हमारा है अवकलज के अनुप्रयोग, फिर पढ़ेंगे समाकलन, फिर पढ़ेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग, फिर पढ़ेंगे सहना, फिर पढ़ेंगे अवकल समीकरण। तो टोटल हमारा 5 चैप्टर यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर आप 12th क्लास में चाहते हैं और ये सिलेबस में पता है कितना है, 100 नंबर में से 44 नंबर का ये होता है,
100 में से 44। लेकिन बच्चों बिहार बोर्ड में आपको पता है दुगने प्रश्न है, बस ये 5 चैप्टर से आपके 88 मार्क्स हैं। तो बच्चों एक दुनिया यहाँ भी है जिसको जीना है 88 मार्क्स का। तो हो जाइए आप सभी लोग तैयार, क्योंकि अब शुरू हो रहा है कैलकुलस। बच्चों कहते हैं कि 12th क्लास की मैथ की अगर हम आत्मा कह दें कैलकुलस को, तो डरने की कोई बात नहीं है, इसका सही नाम रखा है हमने। तो 12th क्लास का मैथ का जो आत्मा है वो कैलकुलस है। तो कह रहे बच्चों कैलकुलस शुरू होने जा रहा है संडे। हम लोग बच्चों संडे को थोड़ा रेस्ट लेते हैं सब लोग। मंडे से ये क्लासेस स्टार्ट होंगी। कब होंगी? मंडे से क्लास स्टार्ट होंगी। और बच्चे मंडे से क्लास शुरू करेंगे, यानी कि हम कह सकते हैं 22 तारीख से ना, 22 जुलाई से इसकी क्लास स्टार्ट होगी। और बच्चों कितने बजे? तो सुबह के 9 बजे टाइम रहेगा, 9 AM में। YouTube पर हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों 9 AM, सुबह के 9 AM। और बाकी एक क्लास डेमो क्लास बच्चों आना, एक डेमो क्लास आपको कहाँ मिलेगा? डेमो क्लास YouTube पर मिलेगा। और बाकी क्लासेस कहाँ मिलेंगी? बाक्ी पूरी क्लासेस बच्चों आपको दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर मिलेंगी। फीस कितनी है? तो फीस बच्चों 1500 रुपये मात्र है। ऑल सब्जेक्ट, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मैथ सब कुछ पढ़ सकते हैं मात्र 1500 रुपये में। तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, और बच्चों दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप बैच परचेस कर लीजिए, वहाँ से आप क्लास पूरे कर पाएंगे, मंजिल बैच, ठीक है? तो आप लोग तैयार रहिएगा, देख लीजिए। दो वर्ग हैं, एक स्टूडेंट वो हैं जो कॉल करके कहते हैं कि सर अगर हम बिना कैलकुलस पढ़े, अगर हम इन चैप्टर को मजबूत कर लेते हैं तो हमारा क्या पूरा नंबर आ जाएगा? तो बच्चों हम कहेंगे कि बिना कैलकुलस पढ़े अगर आप इस पर पूरी तरह कमांड कर लेते हैं तो 70 से 80 आ जाएगा। पर रिस्क मत लीजिए, आप कैलकुलस भी पढ़िए, है ना, इस पर पूरा फोकस करिए। आप ना कैलकुलस वाले पार्ट को पढ़िए, और पढ़ के बच्चों क्यों 70-80 लाना? हमारा मकसद तो बच्चों 100/100 है, तो हम 70-80 में क्यों पढ़े? अगर हो सकता है कि इससे ही पूछे गए प्रश्न कुछ टफ है ना, कुछ हार्ड क्वेश्चन आ जाए, इसमें ही कुछ टफ क्वेश्चन आ जाए, तो बच्चों इधर से भी लेकर चलेंगे, इधर से भी पढ़ेंगे, उधर से भी, दोनों मिला करके आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो मैं बच्चों तैयार हूँ 22 जुलाई से, सोमवार से बच्चों सुबह के 9 बजे दिशा साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। क्या आप सभी तैयार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों को शेयर करके बताइएगा कि जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी आ गई, ठीक है? धन्यवाद।